मंच पे बैठे हुए सब वरिष्ठ नेतागण, सोनिया जी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ईस्टर की त्योहार का शुभकामनाएं यहां सबको। ईस्टर का मतलब समय के कालचक्र को एक नया ऊर्जा देना, और ये नया ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ। जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी, जहां से नारा निकला था आजादी या गुलामी। और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहां पर वही नारा लग रहा है, हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आजादी है। इस आजादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताकते धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनको जिताकर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करे, ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा। आखिर में समझिए, असली बात जो आज कलयुग का अमृतकाल है, कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाइशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत, एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है। आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का। और इस अमृतकाल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तभी हमारे भारत को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारी अपील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको, हमारी अपील यही है कि आखिर में ये नारा हमारे साथ दीजिए आप। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो जेल में हैं, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे, आज वो शेरनी यहां बैठे हैं, आज उनको रिहा करवाएंगे, जेल के जंजीरों को तोड़ेंगे और इनको रिहा करवाएंगे, तभी हो पाएगा जब इस संविधान की रक्षा होगी। तो नारा जो लगेगा आज, जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत, आप कहोगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, और जोर से मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। शुक्रिया, नमस्कार।